हार्ट के मरीज अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। अब इस बीमारी की चपेट में 25 से 30 साल की उम्र वाले युवा भी आ रहे हैं। हर 5 में से एक पेशेंट की उम्र 30 साल से कम होती है। आज से कुछ साल पहले 40 साल के मरीजों को दिल का दौरा पड़ना बहुत ही दुर्लभ माना जाता था, लेकिन अब इसमें हैरानी वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसकी कई वजह हैं। युवाओं की गलत लाइफस्टाइल, अनहेल्दी खानपान, अधिक तनाव, स्मोकिंग, पॉल्यूशन, ब्लड प्रेशर की समस्या और मोटापा दिल की सेहत को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है। इससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ रहा है। जगदम्बा हार्ट केयर एवं मैनेट्री सेंटर के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पंत से हमने खास बातचीत की। उन्होंने बताया कि बीते जमाने में हृदय रोग ग्रस्तावस्था का रोग कहलाता था, लेकिन आज भागदौड़ भरे जीवन में 25 से 30 साल के लोग भी हृदय रोग से ग्रसित हो रहे हैं। इसका मुख्य कारण मानसिक तनाव एवं गलत खानपान है, जिसके कारण व्यक्ति उच्च रक्तचाप एवं शुगर जैसी बीमारियों की चपेट में आ जाता है, जो कि आगे चलकर रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, जो हृदय रोग का भी मुख्य कारण बनता है। भारत में इस समय लगभग 10 करोड़ से अधिक हृदय रोगियों की संख्या है। विश्व में 2 करोड़ से अधिक लोग प्रतिवर्ष हृदय रोग से अपनी जान गंवा रहे हैं। भारत की जनसंख्या की 30-40% की आबादी उक्त रक्तचाप, शुगर, मोटापा जैसी बीमारियों से पीड़ित हैं, जिसके कारण लोग हृदय रोग की चपेट में आ रहे हैं। डॉक्टर पंत ने बताया कि उक्त रक्तचाप, शुगर एवं सीने का दर्द को हल्के में ना ले एवं कुशल हृदय रोग विशेषज्ञ से सलाह लेकर ही उपचार कराएं, ताकि आने वाली परेशानी से बचा जा सके। ज्यादा जानकारी देते हुए वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रकाश पंत ने क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। इस तरह के मुद्दे पर बहस कर रहे हैं क्योंकि ये मुद्दा बड़ा हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी रिसेंटली ICMR है, एक हिंदुस्तान की एक संस्था है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उसके जून में एक जो सर्वे रिलीज हुआ था उसमें देखा था कि हिंदुस्तान की आबादी इस समय 140 करोड़ है और उसका 20-30% हिस्से को इस समय ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं, इनको हम लोग रिस्क फैक्टर्स कहते हैं। जिनको ये रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं, जितने लंबे टाइम होते हैं, इनको अंदर ही अंदर दिल की बीमारियाँ पनपने लग जाती हैं। पता हमको तब चलता है जब इसके लक्षण होते हैं, इस लक्षण से पता चलता है, लेकिन बीमारी की जड़ें शुरू में हो जाती हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले से ही जाँचें करानी चाहिए, जिससे कि ये बीमारी पहले ही हमको पता चल जाए। जहाँ तक कारण का पूरा सवाल है, मैंने बहुत पहले भी कई लोगों को 6S का फॉर्मूला देता हूँ। लोगों को, हम लोगों के यहाँ जो मेन है, स्मोकिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट है। स्मोकिंग डिफरेंट फॉर्म है, कई स्मोक करते हैं, कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू है। इवन पहाड़ में आजकल लेडीज़ में बहुत देख रहा हूँ, बुजुर्ग लेडीज़ हैं, वो तंबाकू का सेवन बढ़ गया है। इससे पहले जो पहाड़ों में जैसे वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता था, गोठ कहते थे जैसे, उसमें अंगीठियाँ जो कोयले की है, लकड़ी की, उससे बहुत धुआं होता था, वो धुआं भी स्मोकिंग का ही साइड इफेक्ट करता था। दूसरा होता है कि साल्ट, खाने में जितना भी ये नमकीन चीज़ें हैं, प्रोसेस्ड फूड है, तो इन सबसे भी ब्लड प्रेशर की समस्या ज़्यादा बढ़ रही है। तीसरा एस होता है सीडेंट्री हैबिट। सीडेंट्री हैबिट का मतलब होता है कि हम लोगों की चलने फिरने की जो दिनचर्या में हम लोगों का चलना फिरना कम हो गया है, वो ये कि भी जितना हम लोग ऑनलाइन वर्क ज़्यादा हो गया है, 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर का यूज ज़्यादा बढ़ गया है, लोगों के पास टाइम भी नहीं है चलने के लिए, अपना जॉब में इतना वो है। फिर आता है शुगर वाली चीज़ें, जितना भी ये बेकरी आइटम है, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ हैं, जितने मैकडोनाल्ड इस तरह के खुलते चले जा रहे हैं, लोग कितना जोमेटो से खाना खा रहे हैं मंगवा मंगवा के, तो इस जो हाई कैलोरी जो जंक फूड है इससे बढ़ गया है। स्ट्रेस वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय जितनी कम्पिटिटिव वर्ल्ड है, लोगों में न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और जॉब स्ट्रेस है, लोगों के बड़े बड़े सपने हैं उसको पूरा करने के लिए वो ज़्यादा तनाव लेते हैं, नींद लोगों की प्रॉपर नहीं हो पा रही, इन सब के कारण जो है हार्ट की बीमारी हमारी युवाओं में बढ़ती जा रही है। तो हमको अगर ये छोटी छोटी बातों पर हम लोग ध्यान दें और शुरू से ही इनको कंट्रोल करें तो बहुत बड़ी आबादी को बीमारी पड़ने से रोक सकते हैं। कहते हैं ना, नो ट्रीटमेंट इज श्योर, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें इस फॉर्मूले पे चलना चाहिए। उत्तराखंड के हल्द्वानी से लोकल 18 के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।